सो गाइज रिमेंबर मैंने कुछ महीनों पहले एक मॉर्निंग रूटीन किया था. या दैट डिडंट लास्ट लॉन्ग. हाय गाइज आई एम प्रेरणा एंड वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ. नाउ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ये सोचती थी लाइक हु वुड बी इंटरेस्टेड इन सीइंग अ डे इन माई लाइफ, बट टर्न्स आउट दिस इज वॉट यूट्यूबर्स डू. सो ओके, तो अभी 1 बज रहे हैं एंड आई एम इन माई किचन राइट नाउ. आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग द लंच. जॉइन मी. अभी मैं दाल को बॉईल होने रख रही हूँ. मैं कौन सी दाल बना रही हूँ? मैं वो लंगर वाली दाल कहते हैं इसे, एंड बेसिकली ये चना दाल विद सम अदर दाल मिक्स्ड है. मुझे 2 साल हो गए हैं कुकिंग करते हुए, बट मुझे अभी तक दालों के नाम क्लियर नहीं हुए हैं. वो जो ब्लैक वाली दाल होती है, छिलका समथिंग लाइक दैट, वो बना रही हूँ. एंड अभी इसको बॉईल होने रख रही हूँ. जब तक ये बॉईल होगी मैं सब्जी बनाऊंगी. वेलकम टू कुकिंग विद प्रेरणा. सबसे पहले हम करेला काटेंगे. थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा सौंफ, और अब जो करेले काटे हैं ये इनको इसमें डालना है. सो सम ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग मैंने सब कुछ ढक्कन से क्यों डाला है. बिकॉज I'm too lazy to grab a spoon. मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ डाल दिया है, बट ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ. सो लेट्स कॉल हर. हाँ क्या कर रहे हो? अच्छा मैं ना करेले बना रही हूँ. तो क्या क्या डालना होता था मैं भूल गई. अच्छा ठीक है. बस खाना बना रही है. मैं तो आपकी भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ देखो. सो टर्न्स आउट मैंने सब कुछ डाल दिया है एक्सेप्ट नमक. अब दाल में तड़का लगाते हैं. और बताओ फ्रेंड्स क्या चल रहा है. Now, you know guys, I give a pro tip, although this is like not a cooking channel. So, मैं आटा पतीले में गूंद रही हूँ. If you, obviously you haven't noticed because मेरा कैमरा इतना वाइड एंगल नहीं है. ये कोई नॉर्मल पतीला नहीं है. This is the पतीला जिसमें दूध था. So, मम्मी कहती थी कि अगर इसी पतीले में हम आटा गूंदेंगे, obviously दूध को किसी और में ट्रांसफर करके, तो आसपास वाली मलाई साफ हो जाएगी एंड यू नो यू नॉट वेस्ट इवन एन अंस ऑफ क्रीम. आई यूज्ड टू बी लाइक इतना कौन सोचता है, बट टर्न्स आउट शादी के बाद यू डू एग्जैक्टली व्हाट योर मम सेड बट यू डोंट टेल हर बिकॉज देन यू लूज. इन केस शी इज वॉचिंग, मम्मी मैं भी दूध के पतीले में आटा गूंदती हूँ. ओके गाइज वेलकम बैक. सो लंच हो गया है. लंच टर्न आउट प्रिटी वेल. माई हस्बैंड वॉज लाइक आई थिंक यू शुड व्लॉग डेली बिकॉज तुमने काफ़ी अच्छा खाना बनाया है. सो या आई मीन ओके. उसके बाद मेरी एक मीटिंग थी. मीटिंग अभी ख़त्म हो गई है एंड आई थिंक 4 बजने वाले हैं. इसी के आसपास कुछ टाइम हो रहा है. या 4 बजने वाले हैं एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करूँ. सो मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी देती हूँ कि मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे बेसिकली 3 दिन क्या करती हूँ. वीडियो अपलोड करने के अगले दिन मैं अपना घर साफ करती हूँ, जो मेस बना हुआ होता है क्योंकि कहीं कपड़े होते हैं, कहीं जूते पड़े होते हैं, कहीं इयररिंग्स होते हैं,
एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ा किचन में ध्यान देती हूँ क्या सब्जी पड़ी है क्या नहीं पड़ी, क्या ऑर्डर करना है. एक और काम जो मैं करती हूँ दैट इज़ मैं पिछले वीडियो का जो सामान है उसे संभाल कर अलमारी में रखती हूँ और नए वीडियो का जो चाहिए उसको पूरा अलाइन करती हूँ. तो आज मैं यही आपके साथ करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी. पर उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ. मैं कुछ कपड़े निकाल रही थी और उसमें मुझे कुछ डब्बे मिले और मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपके साथ इन डब्बों के बारे में बात ही नहीं करी एंड ये काफ़ी स्पेशल है तो मुझे लगा करनी चाहिए. सो बैक स्टोरी देती हूँ. मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करा था कि मेरी YouTube से अर्निंग नहीं आई है एंड आई गॉट सच अमेजिंग responses आफ्टर दैट वीडियो. ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं थोड़ी नर्वस थी उस वीडियो के बाद बिकॉज आई वॉज लाइक यू नो मैंने कुछ ऐसा शेयर करा है, आई डोंट नो इफ पीपल विल टेक इट द राइट वे, क्या लोग मुझे डाउट करेंगे. बट एवरी वन वॉज सो पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग, देवर लाइक कि प्रेरणा आपके पैसे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा एंड ऑल दैट. मैं इसमें आपको एक मैसेज भी दिखाती हूँ. ये मेरी एक व्यूअर है, शी लिव्स आई थिंक इन यूरोप. शी सेंड मी दिस वॉइस मैसेज, इंस्टाग्राम पर भेजा मुझे एंड मैं आपको सच बताऊँ मेरी आँखों में आंसू आ गए ये मैसेज सुनने के बाद. पहले मैं आपको वो मैसेज सुनाती हूँ फिर मैं आपको इन डब्बों की कहानी बताऊँगी. पहले मैं ढूंढती हूँ, एक मिनट रुको. ओके सो आई हैव फाउंड द मैसेज. मैं कुछ पार्ट्स को बीप कर दूंगी वेयर शी टेल्स हर नेम एंड ऑल दैट, बट बहुत प्यारा मैसेज है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा आप सुनना. हाय प्रेरणा, मैं पाकिस्तान से हूँ, इस वक्त मैं यूरोप में PhD कर रही हूँ. आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर चैनल और मैं अब बहुत रेगुलरली आपके वीडियोज देखती हूँ. इनफैक्ट मैं एडिक्टिव हद तक आपके वीडियोज देखती हूँ. आई जस्ट सॉ योर वीडियो जिसमें Q&A था और जिसमें आपने अपनी अर्निंग्स और चीज़ों और यूट्यूब के टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बताया एंड एट द एंड आपकी आंखें गीली हो गई. आई क्राइड विद यू. प्लीज़ आप हौसला रखना, आप ये सोचो आपकी कमेटी पड़ रही है, देखना एक दिन निकलेंगे और बहुत बड़ी निकलेगी और फिर निकलती ही रहेगी. आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ठीक होने के लिए ही तो चीज़ें इस तरह होती हैं. सो कीप अप द गुड वर्क, आपकी कमेटी पड़ रही है, इकट्ठी निकलेगी. अपना बहुत ख्याल रखें. Isn't this the sweetest thing ever? मैंने जब YouTube चैनल शुरू किया था ये एक आस्पेक्ट है YouTube का जो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ हो सकता है, वेर इन पीपल हु डोंट नो यू वो आपसे इतना अटैच हो जाएंगे और आपको इतना प्यार देंगे एंड दिस इज़ जस्ट वन मैसेज. ओके सो मैं ये कहानी आपको इसीलिए बता रही थी कि क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरे पैसे आ गए इन द मंथ ऑफ मे. मैंने जिस वीडियो में ये बात अनाउंस करी थी वो वीडियो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं बिकॉज इट वॉज अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड इट वॉज नॉट अबाउट स्टाइलिंग. तो मुझे पता है बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा. सो मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा फ्रॉम माई फर्स्ट अर्निंग. जब पहली बार पैसे आए इट वॉज नथिंग लेस देन अ फर्स्ट सैलरी. ऑल दो मैंने 3 साल काम किया है एंड आई मीन फर्स्ट सैलरी मेरी पहली भी आई हुई है, बट यू नो दिस फेल्ट समथिंग स्पेशल. आई बॉट फ्यू पीसेस फ्रॉम पीपा बेला तो मैं आज वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये वाला नेकलेस दिखाती हूँ. ये आई थिंक आपने पिछले वीडियो में देख लिया है ये नेकलेस. सो दिस इज़ अ पर्ल वाटरफॉल नेकलेस. फिर मैंने नेक्स्ट इयररिंग्स खरीदे. इयररिंग्स दिखाती हूँ मैं आपको. ऑल्सो आई थिंक मुझे आपको बॉक्स भी दिखाना चाहिए बिकॉज मुझे इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी. सो दिस इज़ अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड दिस हैज़ अ लेदर फिनिश. सो यू नो इट हैज़ अ वेरी प्लश फिनिश टू इट. और फिर आप इस बॉक्स को इसके अंदर ऐसे स्लाइड करोगे एंड दिस इज़ द बॉक्स. सो इसके अंदर यू विल हैव योर नेकलेस, इयररिंग्स, जो कुछ भी है एंड देन यू विल स्लाइड इट. सो वेरी नाइस बॉक्स, आई लव द पैकेजिंग. आई थिंक अगर उन्होंने नेकलेस को प्लश अपील दी है तो उन्होंने बॉक्स को भी उतना ही प्लश अपील दी है. देन आई विल शो यू द सेकेंड पीस. सो दिस इज़ द सेकेंड पीस दैट आई बॉट. ये इयररिंग्स हैं. मैंने इनके बारे में इंस्टाग्राम पर बात भी करी थी इन इयररिंग्स के बारे में.
एंड ये बेसिकली दे आर क्लॉ ईयर रिंग्स एंड मुझे लगता है पार्टी वेयर के लिए इस टाइप के ईयर रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आपने सिंपल ब्लैक ड्रेस भी पहनी है और उसके साथ आप ऐसे शिमर के ईयर रिंग्स पहन लो, दे जस्ट यू नो मेक द लुक एंड टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल. सो दिस इज़ द सेकेंड पीस आई बॉट. ये आई थिंक मुझे 2000 रुपीज का मिला था. मैंने जिस दिन इंसिडेंटली शॉपिंग करी थी पीपा बेला से, उस दिन साइट वाइड इन रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू आर बाइंग 20% ऑफ था, फ्लैट 20% ऑफ. तो मुझे टोटल बिल वैल्यू पे 20% ऑफ मिला है. एंड गेस व्हाट, जब मैंने इन इयर रिंग्स की पिक्चर डाली थी इंस्टाग्राम पर, रिया कपूर कमेंटेड एंड शी रोट अ वेरी नाइस कमेंट. सो मेरे लिए इट वाज वेरी फ्लैटरिंग. कभी होता है ना, आप किसी का काम इतना पसंद करते हो और फिर वो आपके काम पर लिखे कि हमें आपका काम बहुत पसंद आया, तो बहुत अच्छा लगता है. सो शी कमेंटेड हियर एंड गेस व्हाट, ये वाले इयररिंग, ये वाला नेकलेस जब मैंने फोटो डाली थी दैट महारानी वाइब वाली, पीपा बेला रीपोस्टेड इट ऑन देयर पेज एंड वहाँ पे भी रिया कपूर ने दिल बनाए थे. सो आई मीन व्हाट डू आई से, नाउ आई शो यू दिस पीस. दिस इज अगेन अ वाटरफॉल नेकलेस बट इट इज इन गोल्ड एंड अगेन लुक्स प्लश. ये भी आप बहुत जल्द देखने वाले हो, मैं इसको स्टाइल करूँगी. This is how the necklace looks like. अभी इस पर शायद आपको ढंग से समझ ना आए, but when I'll style it, you'll get an idea. And I think all three pieces are amazing. I'm quite happy with it. Although मैं आपको एक you know disclaimer देना चाहती हूँ that Pipa Bella is struggling with shipments and timely deliveries, because मैंने ये मई में order किया था and I received it in first week July. सो आप सोच लो कि कितना टाइम लग गया इन तीन पीसेस को डिलीवर करने के लिए. एंड इट वाज अ यू नो हाई प्राइस आइटम, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, पीपा बेला मेरे पैसे लेके तो नहीं बैठ गए, यू नो आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दोज थॉट्स. बट थैंकफुली दे डिलीवर्ड, आई गॉट इन टच विद कस्टमर केयर, टाइम लगा बट चीज़ें डिलीवर हो गई. सो जस्ट इन केस इफ यू आर विलिंग टू ऑर्डर थ्रू पीपा बेला, ए डोंट पे ऑनलाइन बिकॉज यू नो दे आर स्ट्रगलिंग विद डिलीवरीज. तो अगर लेट भी आया तो ऐसा तो नहीं है कि आप परेशान हो गए, आपके पैसे फंस गए एंड ऑल दैट. जब वो प्रोडक्ट आएगा तब पैसे दे देना एंड बी प्रिपेयर्ड दैट दे विल डिले शिपमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो या दिस इज़ माई मिनी ज्वेलरी हॉल जो मैं आपको दिखाना चाहती थी. अब मैं थोड़े से कपड़े अरेंज करती हूँ और स्टाइलिंग का प्रोसेस शुरू करती हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ वॉट आई एम डूइंग नेक्स्ट. This is it for this vlog. इसके बाद मैंने डिनर किया, आई स्पेंड सम टाइम विद माई हस्बैंड और बाकी जो छोटा मोटा काम बचा हुआ था उसे कम्प्लीट करा. मैंने उन क्लिप्स को इसीलिए इंक्लूड नहीं करा बिकॉज व्लॉग ऑलरेडी 15 मिनट की हो गई थी. आई वॉज लाइक पता नहीं कितने लोग बोर हो रहे होंगे, तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं करा. बट इन केस यू गाइज एन्जॉयड दिस व्लॉग, यू हैड अ फन टाइम, डू लेट मी नो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप सो आई कैन डू मोर व्लॉग्स इफ यू वॉन्ट. अभी तो इन
इनफैक्ट मेरे पास प्रॉपर व्लॉगिंग इक्विपमेंट भी नहीं है. आई डोंट हैव अ व्लॉगिंग माइक और अ कैमरा. आई कैन बाय ऑल दैट स्टफ एंड स्टार्ट डूइंग मोर व्लॉग्स इफ यू वुड वॉन्ट टू सी. कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. अपना ध्यान रखना और हम जल्दी ही मिलेंगे. बाय.